मेरे पास बहुत सारी ऑनलाइन रिक्वेस्ट आई है स्टूडेंट्स, और मैंने जो अभी पिछला वीडियो लेसन दिया था इशू ऑफ डिवेंचर्स का, उसके बाद मेरे पास इतने वीडियो क्वेरीज आई हैं, और मुझे सभी स्टूडेंट्स ने एक ही क्वेश्चन करा कि सर प्लीज़ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर थिंकिंग मेथड पर जरूर अपनी कॉन्सेप्ट बताइए। उस वीडियो को बहुत लोगों ने पसंद करा, थैंक यू। और मैं अब ज़्यादा बात ना करते हुए वापस क्लासरूम में आ रहा हूँ और आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय सिंकिंग फंड मेथड। देखो स्टूडेंट्स, वीडियो लेसन में मैंने आपको बताया था कि जो डिवेंचर के रिडेम्पशन के मोड्स होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। नंबर वन इंस्टॉलमेंट मेथड, नंबर सेकंड लमसम मेथड, नंबर थर्ड परचेज बाय ओपन मार्केट, और नंबर फोर्थ भूल गए, नंबर फोर्थ था बाय कन्वर्जन मेथड। तो अब ये पांचों मेथड कहां से आ गया? एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये कोई पांचों मेथड नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है पेमेंट का। आप लोगों ने पढ़ा था लमसम मेथड, लमसम मेथड में हमने किया गया था, जरा पहले मैं उसे बताऊंगा और उसके बाद सिंकिंग फंड में तुम्हें डुबो दूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप डिबेंचर इशू करते हैं, मान लीजिए से 1 लाख रुपीस, और मान लीजिए 5 साल बाद आप लोगों ने पैसा लौटा देना है, और ये हो गया आपका रिडेम्पशन। 5 साल बाद अगर इकट्ठे पैसे आप लौटा दें तो इस मेथड को क्या कहते हैं आप लोग बताइए? इसे कहते हैं लमसम मेथड। यानी आपने एक साथ पैसा लौटा दिया, व्हेन यू आर रिडीमिंग डिबेंचर्स बाय ए सिंगल पेमेंट, इट इज नोन एज रिडेम्पशन डिबेंचर बाय लमसम मेथड। अब स्टूडेंट्स एक बात देखिए कि एक 5 साल के बाद मुझे पैसे कितने देने पड़ेंगे? मेरे एग्जाम्पल में 1 लाख रुपए। अगर मैं इसे ओरिजिनल अमाउंट पर ले लूं, मान लीजिए मैं इसे 10 करोड़ रुपए पर ले लेता हूं या 100 करोड़ पर ले लेता हूं, तब क्या होगा? तब आपको पेमेंट में प्रॉब्लम आएगी। आपके बस की नहीं है, आपके बिजनेस के बस की नहीं एकदम से इतना पैसा निकालना। कैसे निकालेंगे आप पैसा इतना? क्या कोई मेथड है? हाँ, इतना पैसा तो वाकई कैश में पैसा कहां से निकालूंगा मैं, इतना सारा पैसा कैसे लाऊंगा? इतना सारा पैसा 5 साल बाद 100 करोड़ रुपीज मेरे कंपनी कहां से मैनेज करेगी? मेरे को कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचनी पड़ सकती है, मुझे कोई लोन लेना पड़ सकता है। तो क्या करूं? कुछ ऐसा करूं कि धीरे धीरे मैनेज हो जाए और मेरे बिजनेस पर इसका फर्क ना पड़े। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसकी इंस्टॉलमेंट बना लेता हूं। इसीलिए छोटा एग्जाम्पल कर दिया बच्चों, मैंने छोटा एग्जाम्पल कर दिया 1 लाख रुपए। तो मैंने इसे 5 किस्तें बना दी, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। और फिर स्टूडेंट्स मैंने एक गुल्लक बना ली। क्या बना ली? एक गुल्लक बना ली। और हर बार हर साल मैं एक सेविंग करता हूं और उस सेविंग को इस गुल्लक में ट्रांसफर कर देता हूं। हर साल मैं एक सेविंग करता हूं, कहां से? अपने प्रॉफिट्स में से, और उसे इस गुल्लक में ट्रांसफर कर देता हूं। हर साल एक सेविंग करता हूं और इस गुल्लक में ट्रांसफर करता हूं, सेविंग करता हूं और इस गुल्लक में ट्रांसफर कर देता हूं। सेविंग करा और आज 5 साल पूरे हो गए हैं। आज वो दिन आ गया है जब मुझे पूरा पैसा लौटाना है। तो वो जो सेविंग्स हैं, इस गुल्लक को मैं तोड़ दूंगा और मैं क्या कर लूंगा, अब मैं आराम से पेमेंट कर सकता हूं, ठीक है ना? वो एक फिल्म देखी थी मैंने, उसमें कोई हीरो था किसी फिल्म का, उसने 3 गुल्लक बना रखे थे, एक भाई के नाम की, एक बहन के नाम की, मम्मी के नाम की, और वो उस पैसे को वहां जमा करता था। और एक दिन वो कोई काम आ गया तो गुल्लक तोड़कर उसने उस काम में उस गुल्लक को इस्तेमाल कर लिया। तो बस यही याद रखना, ये गुल्लक है। लेकिन जब हम इस गुल्लक में पैसा जमा कर रहे थे तो हुआ क्या? हुआ ये स्टूडेंट्स कि मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट आया और उसने मुझे क्या बात बोली, उसने कहा कि आप ये पैसा 4 साल तक क्यों अपनी गुल्लक में रख रहे हो? अगर आप इसे मार्केट में लगा दो तो 4 साल तक क्या मिलेगा इस पर? इंटरेस्ट या डिविडेंड। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट या डिविडेंड। तो या तो इस पर 4 साल में आप इंटरेस्ट कमाएंगे अगर आप डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी डेप्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आप इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस पर मिलेगा 4 साल का डिविडेंड, और इस पर 3 साल का। इस पर 4 साल का क्यों? अभी अभी मुझे पता लगा कि किसी स्टूडेंट ने मन में सोचा है कि 4 साल का क्यों, क्योंकि आप 1 साल का पूरा होने के बाद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1 साल तो लैप्स हो चुका है। सिंस 1 ईयर हैज बीन लैप्स्ड, सो इट विल बी अर्न फॉर 4 ईयर्स।
एंड द सेकंड वन इज इट विल अर्न फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 years और ये 2 साल के लिए और ये 1 साल के लिए. आखिरी वाला आपको अर्न करके नहीं देगा. आखिरी वाला अर्न नहीं कर सकता. लास्ट में आप पैसा जमा कर रहे हैं और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है. योर लायबिलिटीज बिकम ड्यू. यू हैव टू पे अमाउंट 5 लाख रुपीज और 1 लाख रुपीज इन माई एग्जाम्पल. तो आप कहां से देंगे पैसा ये सब कुछ. तो इसलिए अब आप इस इन्वेस्टमेंट को जो आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है वॉट एवर यू हैव इन्वेस्टेड ऑलरेडी इन द मार्केट यू हैव टू सेल. आप इसे बेच देंगे बाजार में और बाजार में बेचने के बाद आपके पास पैसा आ गया और उस पैसे से आप आसानी से रिडम्पशन कर सकते हैं. यह आपका कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स सिंकिंग फंड मेथड में. ये जो गुल्लक हमने बनाई इस गुल्लक का नाम होता है डिबेंचर रिडम्पशन फंड. कुछ लोग इसे सिंकिंग फंड भी कहते हैं. कई बुक्स में सिंकिंग फंड के नाम से मिल जाएगा. नाम भले ही हो पहचान कैसे करें ये फंड समझ लेना. बस क्या समझ लेना फंड. और जो मार्केट में आप इन्वेस्ट कर देते हो वो इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे. उस इन्वेस्टमेंट को कहेंगे अगर आपने ये अकाउंट बनाया है तो फिर आप उसे कहेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स. मैं इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं इसको लिखूंगा आप डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स. याद रहेगा ये मेरी टर्म है. एग्जाम में आप मत लिख देना वरना फेल हो जाओगे. पूरा लिख कर आना डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. और अगर आप सिंकिंग फंड बना रहे हैं तो फिर बनेगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. अब आप कहेंगे सर आपने तो फेल करवा दिया. अरे भाई नंबर कम आ जाएंगे. जब मेरे 10 नंबर आने वाले हैं और उसमें मैं 9 नंबर ले रहा हूं तो मैं तो फेल हो गया. कि पूरी मेहनत के भी 9 क्यों मिल रहे हैं. 10 में से 10 ही मिलने चाहिए. हम ऐसा लिखें कि पूरे बेटा पूरे नंबर मिलने चाहिए. सिंकिंग फंड. अगर इसे सिंकिंग फंड कहेंगे तो क्या कहेंगे बेटा. सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स. मैं इसे अपने वीडियो लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं उसे SFI के नाम से लिखूंगा. ये सब क्यों कर रहा हूं. अरे टाइम बचा रहा हूं भाई. तुम्हारा भी और अपना भी. ऑनलाइन इंटरनेट में चल रही है सब कुछ स्पीड तो जल्दी से पूरा करना है. इसलिए ये बात क्लियर है. पॉइंट क्लियर हो गया. तो अब सेविंग कहां से करेंगे. जितनी भी सेविंग होती है स्टूडेंट्स याद रखिए वो सभी होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. आप क्या पढ़ रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब है कंपनी के लिए अकाउंट्स. और कंपनी के लिए अकाउंट्स इंडियन कंपनी एक्ट में कवर होता है. इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कवर होता है. सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कवर होता है. तो कंपनी अकाउंट्स का प्रोविजंस अकाउंटिंग को भी कवर करता है. इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं अकाउंटिंग गाइडलाइंस हैं उन सब के अकॉर्डिंग भी कंपनी अकाउंट्स चलता है. आपको मालूम है कि कोई भी कंपनी के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी है. एप्रोप्रिएशन का मतलब जो आप कमाते हैं वो कहां बांटते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन. द इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग एप्रोप्रिएशन का आप लोग अब तक पढ़ चुके हैं. 3 साल हो गए होंगे आप लोगों को. 11th 12th में सब पढ़ा होगा आप लोगों ने. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसलिए मैं कई बार बच्चों को जल्दी समझाने के लिए बोलता हूं P&L अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट. तो यानी जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कहां कर रहे हैं. तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस गुल्लक में. गुल्लक का नाम डिबेंचर रिडम्पशन फंड. जनरेंटी क्या बन गई. इससे निकाला इसमें पहुंचाया. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड. बाजार में निवेश करना है इन्वेस्ट करना है. इन्वेस्टमेंट खरीदनी है. इन्वेस्टमेंट खरीदने की गारंटी क्या होगी सर. तो इन्वेस्टमेंट खरीदने की गारंटी वही होगी जो आप फर्नीचर खरीदने की गारंटी बनाते हैं. फर्नीचर खरीदते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो अब क्या बनेगी. डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक. डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक. इसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको क्या मिलेगा. या तो इंटरेस्ट या डिविडेंड. तो उसकी गारंटी क्या होगी. गारंटी वही होगी जो आपको रेंट मिलने की एंट्री होती है. जब आपको रेंट मिलता है तो आप क्या एंट्री करते हैं. आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. अब इंटरेस्ट स्पेसिफिक है इसी फंड का है. तो आप उस इंटरेस्ट के सामने मेंशन करना पड़ेगा कौन सा वाला इंटरेस्ट भाई. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड. बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन. अगर आप ये बना रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट ऑन टू इंटरेस्ट
इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एडमिशन फंड इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन इसकी एक डबल अप्रोच भी होती है जो अभी मैं अभी इसको सबको मिटाने के बाद आपको बताने वाला हूं। तो जाइएगा नहीं, अपने रिमोट्स को पकड़ कर रखिएगा और इसी वीडियो चैनल पर रहिएगा। अब मैं इसे मिटाने के बाद, इस बोर्ड को साफ करने के बाद आपके पास दोबारा से आ रहा हूं और डेफिनेटली सिंगल फंड के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास कुछ न्यूमेरिक डाटा और एनुटी टेबल भी होनी चाहिए, तो मुझे वो सब भी आपको दिखाना है। ठीक है, मैं प्रशांत भारद्वाज आपकी क्लास डिवेंचर एडमिशन फंड की ले रहा हूं और हम मिलते हैं ठीक एक मिनट के बाद। हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड को अब साफ करने के बाद मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे ये सिस्टम काम करता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है, लेकिन मैं क्वेश्चन को नहीं दिखा रहा। इधर ले आओ भाई, इधर ले आओ कैमरा, इधर ले आओ, क्वेश्चन को मत दिखाओ, आओ मेरी तरफ आओ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज गले में खराश है, सॉरी, पूरे पीरियड में शायद चलता रहे ऐसा, एक बार सॉरी बोल देता हूं पूरे पीरियड के लिए। स्टूडेंट्स जरा ये देखो, जादू की टेबल बता रहा हूं, ये है जादू की टेबल। जादू की टेबल पहले साल में क्या काम करेगी आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर। तो फर्स्ट ईयर में आपने इशू कर दिया और फिर साल के लास्ट में आप क्या करेंगे, सेविंग क्या करेंगे, और फिर आप उसे कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड, आप फंड में उस पैसे को भेज देंगे, जिसे मैंने आपको किसके नाम से बताया था, सेविंग ट्रांसफर। तो साल के लास्ट में आपने उसे भेज दिया, सही है। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। अब आते हैं सेकंड ईयर में, किसमें आते हैं, आप कहेंगे सर सेकंड ईयर वहां क्यों लिखा, कुछ चलाकी है, देखना अभी मैं क्या करने वाला हूं। अब सेकंड ईयर में क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। सेकंड ईयर के में होगा ये कि आपने पिछले साल जो पैसा लगाया था वो सेकंड ईयर के लास्ट में जाकर आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसका। यानी सेकंड ईयर में सबसे पहले माइंड में जो एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि पिछले साल जो पैसा इन्वेस्ट करा था क्या करा था, कहां किया, ऐसे किया ही नहीं, बात समझ आ गई। तो यानी इसका ये मतलब है कि कॉन्ट्रीब्यूशन करने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज करना है, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को परचेज्ड। और ये जो आपने इस साल के लास्ट में करी है ये होगी बिगिनिंग में डेट ऑफ इशू और ये होगा जब आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज करा तो परचेज की एंट्री हो गई। परचेज की एंट्री क्या होती है मैं दोबारा बता दूंगा, घबराओ मत, मैं हूं ना आपके साथ। अब नेक्स्ट ईयर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट क्या मिलेगा, तो इसलिए मैंने वहां पर ये लिखा क्योंकि मैं अब यहां पर पहली एंट्री कहीं और से पढ़ा रहा हूं। तो फर्स्ट एंट्री जो हो जाएगी आपकी वो हो गई इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट अब करी है, तो नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट ईयर में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर आप डिबेंचर इशू करेंगे क्या, नहीं, वो तो एक बार हुआ है, अब बार बार थोड़ी होगा। अगर कोई डिबेंचर इशू हो रहा है तो उसका एक फ्रेश चार्ट बनेगा, ये सब माइंड में बन रहा है स्टूडेंट, इसे फेयर में नहीं बनाना, ये सब आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं। इसके बाद फिर साल के लास्ट में फिर से आप क्या करेंगे, सेविंग, और फिर अब आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, क्या कर देंगे। लेकिन अब कुछ नई बात बताने जा रहा हूं कि अब आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, इस इंटरेस्ट को अपने पास रखकर क्या करोगे भाई, ये जो इंटरेस्ट है ये कब तक इंतजार करेगा बोलो, मैं चार साल का क्वेश्चन बना रहा हूं तो ये इंटरेस्ट कब तक इंतजार करेगा, चार साल तक का ना, तो चार साल तक इस पैसे को अपने पास क्यों रख रहे हो भाई, इसे भी इन्वेस्ट कर दो। तो यानी जब इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टूडेंट्स तो आप इंटरेस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों के साथ करेंगे, इसलिए मैं इसमें लिख देता हूं क्या, सी प्लस आई, यानी कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट दोनों, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। अब थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा, जरा देखिए मैं क्या बता रहा हूं, थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा
वो सेकंड ईयर की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी मिलेगा और जो फर्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट है उस पर भी मिलेगा, यानी इंटरेस्ट जो मिलेगा किस पर मिलेगा, ऑन फर्स्ट प्लस सेकंड की इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इशू डिवेंचर तो होना नहीं है, फिर से कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं जो आपने बचत करी है, और फिर आप उसे क्या कर देंगे, आप उसे फिर से इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे, लेकिन कितने से, जो ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है ये, और जो आपका इसी साल का इंटरेस्ट है वही, इसी साल का इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स अब इसके बाद आते हैं, अब हम फोर्थ ईयर में आ गए स्टूडेंट्स, और ये चौथा साल है, और चौथे साल में आप इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगा, कब पर मिलेगा, थर्ड ईयर के इन्वेस्टमेंट पर, सेकेंड ईयर की इन्वेस्टमेंट पर, और फर्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट पर। तो यानी ऑन फर्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट, सेकेंड ईयर की इन्वेस्टमेंट और थर्ड ईयर की इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, और अब इश्यू तो करना नहीं है भाई, रिडेम्पशन करना है, तो अब जो फिफ्थ एंट्री होगी वो कुछ और होने वाली है। अब आप कंट्रीब्यूशन तो इस साल भी करेंगे, आखिरी साल भी तो बचत करनी है, इन्वेस्टमेंट खरीदने की तो बात छोड़ो, अब इन्वेस्टमेंट आपको बेचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। जब आप इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, अगर मार्केट उस समय ऊपर है, जिसे बोलते हैं बूम इन मार्केट, तो आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा दामों पर बिक जाएगी, और अगर मार्केट में स्लो डाउन है तो ऐसी हालत में मार्केट हो सकता है कम दामों पर बिके, तो आपको लॉस भी हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर। तो यानी एनी प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू फंड अकाउंट, कौन सा फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो फंड में भेज देंगे इन्वेस्टमेंट से। अगर प्रॉफिट हो गया तो आपका फंड का बैलेंस, वो आपकी गुल्लक और बढ़ गई, अगर लॉस हुआ तो गुल्लक कम हो गई। पर याद रहे कि इस इन्वेस्टमेंट पर अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो इसमें उसका नेचर हम कैपिटल नेचर मानते हैं, क्या मानते हैं, तो गुल्लक में से वो प्रॉफिट आपको कैपिटल नेचर के अकाउंट्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और कैपिटल नेचर का अकाउंट्स होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या होता है, यानी इसका मतलब यहां से पैसा पहले फंड में जाएगा और फंड से कैपिटल रिजर्व में जाएगा, कौन सा वाला, प्रॉफिट वाला, सिर्फ प्रॉफिट का। मतलब इन्वेस्टमेंट पर आपने मान लीजिए 2000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करा, तो वो 2000 रुपीज कैपिटल नेचर होने के कारण कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, और बाकी जितना भी अमाउंट बचेगा वो सब जनरेटर में चला जाएगा, और वो कितना होगा, प्रॉफिट पर हुआ है तो वो उतना ही होगा जितना आपने अरेंजमेंट करने की सोची थी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने, अगर आपने अरेंजमेंट मान लीजिए आपने इशू किया था 1 करोड़ रुपए के, तो वो 1 करोड़ रुपए ही होगा लास्ट में, अगर उसमें 2-3 रुपए कम पड़ जाए ना एनुअल टेबल के कारण, तो अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन को कम या ज्यादा कर देना लास्ट ईयर में, यानी इस वाले लास्ट ईयर में कॉन्ट्रीब्यूशन का पैसा इस तरीके से कर देना कि वो 1 करोड़ रुपए पूरे राउंड फिगर में 1 करोड़ रुपए हो जाए। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ है, और अगर लॉस हुआ है तो 1 करोड़ में उतना लॉस माइनस करके जो अमाउंट बचता है वही आना चाहिए। मान लीजिए 2000 रुपए का लॉस हुआ है, तो 1 करोड़ में 2000 करके जो बचता है वो आप ट्रांसफर करेंगे कहां, जनरल रिजर्व में, कहां ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व में। ये बात क्लियर हो गई। सबसे पहले क्वेश्चन इस चैप्टर में आपके माइंड में मैपिंग होनी चाहिए क्वेश्चन की। क्वेश्चन की मैपिंग का मतलब है कि क्या करना है पहले साल में, क्या करना है दूसरे साल में, क्या करना है फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर का मतलब यहां पर लास्ट ईयर से है, किससे है स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर से। ये बात क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन मैंने वहां जनरेट करा है, आइए जरा क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए जी, स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2010 को डिबेंचर इशू किए गए हैं 12% के हिसाब से 2 लाख रुपए के, और 3 साल बाद उसका रिडेम्पशन करना है। कितने साल बाद, यानी अभी मैंने समझाया 4 साल के है, क्वेश्चन में 3 साल का लेकर आया हूं, तो इसका मतलब पहले साल में, इधर देखिए आप, पहले साल में आप इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, इशू करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे और इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे। सेकेंड ईयर में आप इंटरेस्ट मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे और इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, और आपका जो थर्ड ईयर होगा वो ये नहीं होगा, वो ये हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा पिछले दोनों साल का, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट खरीद नहीं सकते लास्ट ईयर है, बल्कि इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। किस कीमत पर बेचेंगे, आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट पार, तो यानी इन्वेस्टमेंट जितने की थी उतने का बिक जाएगा। कितने की थी इन्वेस्टमेंट,
इन दोनों का टोटल, 2 साल का है तो 2 साल का टोटल उतने का बिक गया। अगर क्वेश्चन वाला कहता है कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 95%, तो इसके मतलब जितने की थी उसके 95% पर बिक गई है, 5% का लॉस है। क्वेश्चन वाला कहता है कि भाई इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 102%, तो इसके मतलब 2% महंगी कीमत पर बिक गया है। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? इन्वेस्टमेंट बेस्ड ही है ना। अब क्या करेंगे बोलो? इसके बाद आप क्लोज डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट और साथ में आप एंट्री कर देंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप पढ़ रहे हैं प्रशांत भारद्वाज और डेबिट क्रेडिट क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से। मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिबेंचर रिडम्पशन फंड। आप कह रहे हो सर ये क्या मार्केटिंग कर रहे हो? बेटा थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहा हूं। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है कि इसके अलावा मुझे और किन बातों का ध्यान रखना है एक क्वेश्चन में? देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चार्ट में सबसे ज्यादा ये जो टेबल है ये समझ में आनी चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज करती है, आइए मैं इसको समझाता हूं। देखिए सिंकिंग फंड टेबल ये बता रही है कि अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करा जाए हर साल तो 1 रुपया बन जाएगा वो 4% ब्याज के साथ 3 साल में। दोबारा से बताता हूं मैं। सिंगिंग फंड टेबल शोज दैट दिस अमाउंट इन्वेस्टेड ईच ईयर अमाउंट टू ₹1 एट द रेट ऑफ 4% इन नेक्स्ट ईयर। नहीं समझ में आया, आइए दोबारा से देखते हैं। ये कहता है इतने पैसे हर साल लगाओ, आओ लगाते हैं 0.320348। पहले साल आपने इन्वेस्टमेंट लगा दी, फिर कहता है दूसरे साल भी लगा दो, और फिर कहता है इतने ही पैसे तीसरे साल में भी आप लोग बचा लो। 3 साल तक आपने पैसा लगाया लगाया लगाया, निकाला निकाला निकाला, तो ऐसी हालत में इसका टोटल कितना आता है देखिए जरा। ये टोटल आ गया, और ये वो कह रहा है कि ये 3 साल बाद 1 रुपया बन जाएगा। व्हाट इज कितना बन जाएगा? तो 1 रुपया बनने का मतलब है कि 1 रुपए में जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स, 4% के हिसाब से कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 1 रुपया आपको 3 साल बाद मिलेगा अगर आप हर साल इतने पैसे बचाएंगे। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? कितने रुपए मिलेंगे आपको? 1 रुपीज। कितने साल बाद मिलेंगे? 3 साल बाद। कब मिलेंगे? अगर आप इतना पैसा हर साल लगाएंगे तब मिलेंगे, तब। कितने रुपए मिलेंगे स्टूडेंट्स? 1 रुपया। कब मिलेंगे? जब इतने रुपए लगाएंगे। एक बार लगाना है, बार बार लगाना है। पॉइंट क्लियर? देख लो कितने रुपए मिलेंगे? 1 रुपया। कितने रुपए लगाने पर? इतने रुपए लगाने पर। मुझे तो 2 रुपए चाहिए। 3 साल बाद मुझे कितने रुपए चाहिए? 2 रुपए चाहिए। अगर मुझे 3 साल बाद 2 रुपए चाहिए तो कितने लगाऊं मैं? इसका डबल। अगर मुझे 3 रुपए चाहिए तो इसका ट्रिपल। और अगर मुझे 3 साल बाद 2 लाख रुपए चाहिए, कितने चाहिए? कितने चाहिए? तो मैं कितने लगाऊं? इसका 2 लाख टाइम्स। बात समझ में आ गई? तो यानी जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है वो कैसे निकलता है? जो आपको इस सिंगिंग फंड की टेबल अगर 1.0 से कम दी हुई है, ये बात याद रखिएगा, 1.0 से कम दी हुई है तो मल्टीप्लाई करना है। कई बार ये टेबल 1.0 से ज्यादा पर दे रखी होगी, जैसे ऐसे लिखा हुआ होगा 1.4234, तब मत मल्टीप्लाई कर देना, तब कोई और मैथमेटिकल सिस्टम होता है जो मैं आने वाली वीडियो क्लास में बताऊंगा। फिलहाल अभी यहां से स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन टू फंड होगा 0.320348 इनटू, मुझे अगर 3 साल बाद 1 रुपए चाहिए तो 1, और अगर 3 साल बाद 2 रुपए चाहिए तो, और 3 साल बाद अगर 3 रुपए चाहिए तो, इंटू 3 टाइम्स। 3 साल बाद मुझे 2 लाख रुपए चाहिए तो 2 लाख टाइम्स। और ये आ जाएगा एनुअल कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा? एनुअल कंट्रीब्यूशन।
और ये मल्टीप्लाई करके आएगा, मैं इसमें से देख कर बताता हूं टाइम बचाने के लिए, 64069। सही है स्टूडेंट्स, ये आपका एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब आप 64069 हर बार लगाएंगे और 6409 हर बार लगाएंगे। समझ में आ गया? लास्ट में अमाउंट को 2 लाख पर लाने के लिए 1-2 रुपए आगे पीछे करने की परमिशन है चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं। और बाई चांस अगर नहीं हो पाए और मान लीजिए अमाउंट आ जाता आपका 2 लाख की जगह 1 रुपए कम या 2 रुपए ज्यादा, तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई मार्क्स नहीं कटते किसी भी एग्जामिनेशन स्कीम में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टूडेंट्स कई जगह पर पढ़ने को मिलेगा आपको। आपको ये चैप्टर मिलेगा स्टूडेंट्स बीकॉम ऑनर्स में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, ये चैप्टर मिलेगा आपको स्टूडेंट्स बीकॉम प्रोग्राम में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, ये चैप्टर मिलेगा आप लोगों को स्टूडेंट्स सीएस में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, ये चैप्टर मिलेगा आपको आईपीसीसी ग्रुप सेकंड में, ये चैप्टर आपको बीबीए में मिलेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, छोड़ेगा नहीं ये चैप्टर आपको। तो जो भी इस स्ट्रीम के कोई भी स्टूडेंट्स अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो ये लेक्चर अगर उनको कभी इस सब्जेक्ट में कभी प्रॉब्लम आई है, इस टॉपिक में प्रॉब्लम आई है, तो आज के बाद वो प्रॉब्लम छू मंतर होने वाली है, गायब होने वाली है। ये चैप्टर आज के बाद तुम्हें कभी नहीं डराएगा, ये चैप्टर तुम लोगों को बहुत ही आसान लगेगा, ऐसे किसी चैप्टर का जैसा जैसे बाकी आपको कई चैप्टर आसान लगे हैं। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना आ गया, एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन से एक बात मैं सीख गया हूं कि ये हर साल एक जैसा रहता है। ये बीच वाला खाली क्यों छोड़ दिया स्टूडेंट्स? क्योंकि क्वेश्चन मैंने 3 साल का लिया है, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, तो इसलिए मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और मैं इस पर 4th ईयर की जगह आप 3rd ईयर लिख देता हूं, और यहां पर लिख देता हूं फर्स्ट और सेकंड की इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट। सही है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना तो सर जी आपने सिखा दिया, अब क्या करें? अब इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, परचेज करेंगे। कितने की परचेज करेंगे? जितने का आपने सेविंग करा था उतने की परचेज करेंगे। और कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 64069। इतने का गुल्लक में पैसे बचाए थे ना, तो गुल्लक में से उस पैसों को निकालकर जाओ मार्केट में और जाकर क्या कर लोगे? इन्वेस्टमेंट खरीद लोगे। क्या कर लोगे? इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे, डिबेंचर खरीद लो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद लो अगर सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो। अगर रिस्क पसंद है तो शेयर मार्केट में लगा दो, इक्विटी में। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट ईयर आ गया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईयर सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलेगा पिछले साल की इन्वेस्टमेंट पर। और पिछले साल की इन्वेस्टमेंट है जो आपने खरीदी थी 64069, तो स्टूडेंट इस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये देखिए। क्वेश्चन में आपको 2 बार इंफॉर्मेशन थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, किस पर? ऑन इन्वेस्टमेंट। और फिर दोबारा से एन्युटी टेबल ने बताया कि 4% के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट बनती है, तो आप इस इन्वेस्टमेंट पर स्टूडेंट्स 4% निकाल लीजिए। तो मैं ये इशू वेंचर जो है स्टूडेंट इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि बार बार तंग ना करे। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट ये है, तो पिछले साल की इन्वेस्टमेंट है 64069 और उसका 4% मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा स्टूडेंट्स। और कोई स्टूडेंट मुझे कैलकुलेट करके बताए, 2563 रुपीज आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप फिर से करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन, आपने कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया, और अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप लोग बताइए? अब आप इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे, अब आप इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे, और इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे इस ब्याज का क्या करेंगे? ये भी तो गुल्लक में पड़ा हुआ है और ये भी गुल्लक में पड़ा हुआ है, दोनों को गुल्लक में से निकालो और जाकर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। तो इन्वेस्टमेंट परचेज कितने का होगा? इन दोनों का टोटल हो जाएगा स्टूडेंट्स। जरा कोई मुझे स्टूडेंट इसका टोटल करके बताए। ये लो जी सर आ गया। आजकल के स्टूडेंट्स कैलकुलेटर के बगैर सोच ही नहीं पाते हैं।
कोशिश करते रहना चाहिए कि मैनुअल जो है छोटा मोटा हम लोग कर सकें। मैं आपको सच बात बताऊं, ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप प्योर कैलकुलेटर को यूज़ करने लग जाएंगे तो बहुत से एग्जाम्स आपको तंग करते हैं। छोटा मोटा मैनुअल सिस्टम माइंड का चलता रह देना चाहिए। वापस आते हैं, हम इन्वेस्टमेंट आपने खरीद ली है बताइए, और अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? आप इंटरेस्ट मिलेगा, आपको क्या मिलेगा बताइए, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये थर्ड ईयर है जो कि लास्ट ईयर है मेरे इस क्वेश्चन में, और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा अब ये वाली इन्वेस्टमेंट और ये वाली इन्वेस्टमेंट इन दोनों के पे आएगा, यानी जो इन्वेस्टमेंट आपकी पहले साल की थी और दूसरे साल की थी उसके टोटल पर आपको 4% मिलेगा। और इन दोनों का टोटल कितना है? शायद इतना है, और इसका 4% आपको मिल जाएगा। तो इसका 4% इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ जरा कितना आया? 5228 आया, एक स्टूडेंट ने बताया मुझे अभी। मेरी बात से उसको इतनी ठेस लगी कि उसने कहा सर अच्छा ऐसी बात है, मैं अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ, अब मैं पीछे नहीं रहूँगा। तो वहाँ आ गया स्टूडेंट्स। इसके बाद इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तो होना नहीं है, कंट्रीब्यूशन हम करेंगे सर इतने की करेंगे, हर बार इतने की होगी। अब आप इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदेंगे तो इस साल इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदनी है, ऐसे कर देते हैं जैसे आप इंटरनेट पर बॉक्स को क्लोज करते हैं, और इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स को बेच देंगे। इन्वेस्टमेंट्स को बेच देंगे तो आइए बेच देते हैं इसे अब इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है? जो सभी स्टूडेंट्स जो इंटरनेट पर देख रहे हैं इसको, तो आप देख रहे होंगे कि मैं अपने चार्ट को मिटाता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, तो आप कहेंगे आपने तो कभी वो चार्ट उतारने का मौका नहीं दिया। तो स्टूडेंट्स उस समय पर जाकर उसको पॉज करके वहाँ पे आप उस चार्ट को उतार सकते हैं। वापस आते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ करते रहो, एक दो क्वेश्चन और मेरे साथ करते रहिएगा तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उस चार्ट की। इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहे हैं तो अब लास्ट ईयर में सोल्ड करेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है? पार पर, तो इसे पार पर बेच देते हैं। तो पार पर कितने का बिकेगा? जितने का मार्केट में पैसा लगाया हुआ है। मार्केट में कितना पैसा लगाया हुआ है? मार्केट में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का पैसा लगाया हुआ है जो कि यह अमाउंट है, तो इतने का बिक गया, तो सोल्ड फॉर 130,701। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये इतने का 130,701 पर सोल्ड हो गया, कोई प्रॉफिट नहीं आया, कोई लॉस नहीं आया। अभी बेसिक क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं। और फिर इसके बाद आप क्लोज कर देंगे डिबेंचर एडमिशन फंड में। डिवेंचर एडमिशन फंड को जब आप क्लोज करेंगे तो उसके अंदर कितना पैसा होना चाहिए स्टूडेंट? 2,00,000 रुपए होने चाहिए। कितने होने चाहिए? क्या 2,00,000 हैं? आइए देखता हूं। देखो आपको मालूम है कि आपने 3 बार इन्वेस्टमेंट करी है, कितनी बार इन्वेस्टमेंट करी है, और तीनों बार आपने फंड में भेज दिया है। कहां भेज दिया है? फंड में। तो ये तीन बार आपने भेज दिया है, फंड में कितना पैसा है? फंड में है इसका 3 बार, और इंटरेस्ट भी आपने फंड में भेज दिया है। क्या भेज दिया है? तो अगर फंड का बैलेंस इधर देखिए जरा, आप फंड का बैलेंस मुझे मालूम करना है और रफ मेथड से मालूम करना है, तो 64069 3 बार, 1, 2, 3, साथ में 2 बार का इंटरेस्ट, 2563 इंटरेस्ट, क्योंकि ये मैंने बोला था कि जो इंटरेस्ट आता है वो फंड में भेज देते हैं, गुल्लक में वापस भेज देते हैं, और 5228। इस सब का टोटल कर देंगे हम तो ये फंड का मेरा बैलेंस होगा। एक स्टूडेंट जल्दी से कैलकुलेट करके बताएगा कि कितना आया, और मैं भी जरा टोटल करता हूं। हाँ जी, कर दिया क्या आपने? बताइए कितना आया? एक बच्चा कह रहा है 1,99,998 रुपीज। मैंने बोला था 2,00,000 के बराबर आएगा। तो जब हम लास्ट ईयर में लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं कि लास्ट ईयर वाले अमाउंट को बढ़ा देते हैं। मुझे मालूम है 2 रुपए कम है तो मैं इसे 2 रुपए बढ़ा दूंगा। आप कहेंगे सर ऐसा तो मत करो, तो मत करो, आप इसी अमाउंट को जनरल जर्नल में ट्रांसफर कर देना, आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। सभी टीचर्स को ये बात मालूम होती है, ठीक है? तो फिलहाल आप इसे 2 रुपीज अगर आप चाहें तो बढ़ा देंगे। ये बात क्लियर हो गई? दोनों ऑप्शन है, कोई डोंट वरी। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? अब यानी इसका मतलब जब आप क्लोज करेंगे डिबेंचर एडमिशन फंड तो जो उसका बैलेंस है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ है तो बैलेंस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है? और ये जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस चला जाएगा? जो इतना बैलेंस है, अगर मैं अभी इसी क्वेश्चन को बेस मानूं
तो इतना ही चला जाएगा 1,99,998, इधर उधर में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ये मान लीजिए कि ये 2,05,000 का बिक जाता, तो जो 2 लाख से ऊपर वाला अमाउंट है, जो प्रॉफिट है, वो उतना प्रॉफिट जाता कैपिटलाइजर में और बचा हुआ 2 लाख रुपए, तो बचे हुए 2 लाख रुपए जनरेटर में जाते। ये हम आगे वाले क्वेश्चन में भी बार बार बताऊंगा मैं। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद आप रिडम्पशन और डिवेंचर कर देंगे। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर रिडम्पशन और डिवेंचर की एंट्री बता दो, गलत बात है। रिडम्पशन डिवेंचर के लिए आपको स्टार्टिंग वाला मेरा वीडियो लेसन जो रिडम्पशन और डिवेंचर के नाम से मैंने बना रखा है, रिडम्पशन और डिवेंचर की पहली क्लास है वो, आप उसे प्लीज एक बार जरूर देखिएगा। और सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पूरी क्लास में काफ़ी देर हो गई आप लोगों को मुझे देखते हुए, हम मैं बदले में आपसे क्या चाहता हूँ, मैं बदले में चाहता हूँ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स। मैं बदले में वीडियो में चाहता हूँ कि जो आप मुझसे चाहते हैं वो मुझे कमेंट्स में लिख कर दें। मैं बदले में आपसे चाहता हूँ कि आप अपने जितने भी नॉन स्टूडेंट्स हैं, आपके जो दोस्त हैं जो सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, आप उन्हें मेरे वीडियो चैनल के बारे में बताएं। बस मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर देते हैं स्टूडेंट्स। वो उस वाले लेसन की बातें हो रही थी पिछले वीडियो लेसन की, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की, लेकिन अब मैं आपको फिर से बता देता हूं कि दो एंट्री होती है स्टूडेंट्स, एक ड्यू की और एक पेड की। ड्यू की एंट्री क्या होगी? ड्यू की एंट्री हो जाएगी आपकी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज, और आप पेमेंट कर दें आप डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज टू बैंक पूरे 2 लाख रुपए। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? तो अब इसे आप एक बार उतार लीजिए, और फिर अभी क्लास अभी ओवर नहीं हुई है, मैं अभी इसके लेजर अकाउंट्स पढ़ाऊंगा और इसकी जरेंटीज पढ़ाऊंगा। मैं पहले क्या पढ़ाऊंगा? पहले लेजर अकाउंट्स और लेजर्स के बाद जर्नल पर आऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसे उतारिए, इसके बाद मैं फिर से आता हूँ। थैंक यू। पिछला जो भी वर्किंग था स्टूडेंट्स वो रफ में था। अब आप कहेंगे सर कि क्या हमें एग्जाम में इतना रफ वर्क करना पड़ेगा? तो मैं आज का जवाब देने जा रहा हूं कि बिल्कुल भी नहीं। ये बेसिक्स है, मैं सिखा रहा हूं कि चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्या होती है, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है ये भी सिखाऊंगा मैं। जब आप 2-3 क्वेश्चन जैसे मैंने अभी कराया है वैसे कर लेंगे, तो आपका माइंड जो है ना वो धीरे धीरे चलने लग जाएगा, 1 स्टेप आगे सोचने लग जाएगा, 2 स्टेप आगे सोचने लग जाएगा, 3 स्टेप आगे सोचने लग जाएगा, और फिर उसके बाद आपको रफ वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना रफ वर्किंग के आप या तो डायरेक्ट जर्नलिटी अगर क्वेश्चन वाला मांग रहा है तो आप डायरेक्ट जर्नलिटीज बना पाएंगे, और अगर वो डायरेक्ट लेजर मांग रहा है तो बिना जर्नल के डायरेक्ट लेजर बना पाएंगे। ये सब कुछ चमत्कार होने वाला है, और तभी होगा जब आप मेरा पूरा वीडियो लेसन आखिर तक देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत अच्छी वेटेज का आता है और बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें तो। आइए वापस आते हैं। खास बात और कि इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई फैंसी नया टाइप का कोई क्वेश्चन बनकर आ जाए मार्केट में और तुम्हारा दिमाग हिला दे वो एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन 4-5 टाइप के हैं, और जिसमें बेसिक टाइप जो है, टोटल जो जितने भी टाइप्स होते हैं उनका 95% हिस्सा कवर कर लेता है। 5% हिस्सा थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस का हो जाता है लास्ट में जाकर, तो वो सब हम जब अलग अलग टाइप के जो मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। पर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये वो क्वेश्चन है जिसका टाइप हमेशा कैसा रहेगा? एक जैसा रहेगा। एक बार सीख लिया समझो कि वो क्वेश्चन तुम्हारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लॉकर हो गया जो कभी खाली नहीं होगा। पक्का वो चेक कैश होगा, होगा और होगा। भाई स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से। मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट ईयर में आपको लेजर से शुरू करूंगा, तो मैं डायरेक्ट लेजर से शुरू कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, बैक टू द पिच आ गया हूं आप लोगों को समझाने के लिए। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को लेजर्स के थ्रू पढ़ाने वाला था, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और 2 लेजर अकाउंट हम बनाएंगे, एक है डिबेंचर रिडम्पशन फंड का लेजर और एक है डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स का लेजर। ठीक है स्टूडेंट्स, डिबेंचर रिडम्पशन फंड में सबसे पहली बार हम क्या करेंगे
इससे ऊपर मैं एक अकाउंट और बना देता हूं स्टूडेंट्स, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप हर साल P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्या लिखते हैं? सेविंग, क्योंकि यहां से आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं ना यहां से पैसा। तो आपने कहां ट्रांसफर करा? डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में। जब ये यहां से ट्रांसफर होकर आया तो यहां पहुंच गया फर्स्ट ईयर में बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये क्या है? ये कॉन्ट्रीब्यूशन। और फिर इसी पैसे को आप इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट कहां आएगा? नहीं आप मालूम तो आओ बताते हैं। बोलो ये क्या है? ये है कैश बुक। जब कोई चीज आप परचेज करते हैं तो कैश बुक में एंट्री कहां होती है? क्रेडिट में होती है। तो क्या खरीदा आपने? हमने खरीदा सर डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। तो जो कैश बुक के क्रेडिट में है वो फंड इन्वेस्टमेंट के कहां पर आएगा? डेबिट में, टू बैंक अकाउंट। ये पहली बार आपने परचेज करा, ये बात क्लियर हो गई? तो मैंने आपको बताया कि ये दो एंट्री यहीं पर पोस्ट क्यों होती है, क्योंकि वो P&L एप्रोप्रिएशन से आ रही है और चूंकि वो बैंक में से पेमेंट साइड से आ रही है तो उसके डेबिट में आ गए, क्योंकि एक का वहां का क्रेडिट, यहां का डेबिट। पहला साल बीत गया हंसते हंसते, आपने कंट्रीब्यूशन कर लिया और आपने इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया। और मैं उन्हीं अमाउंट्स को ले लेता हूं जो हमने लिए थे, और वो एनुअल कंट्रीब्यूशन हमने जो निकाला था मल्टीप्लाई करके, वो कितना निकाला था? 64069 64। और इतने की ही आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करी थी तो 64069। समझ में आ गया आप लोगों को? पहला साल बीत गया है, अब आप इस अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। ये मैंने क्लोज कर दिया और फिर इसके बाद बाय बैलेंस सीडी। समझ गए होंगे? मैंने डेट नहीं लिखी है, डेट क्या होगी? फर्स्ट ईयर का एंड होगा। फर्स्ट ईयर का एंड है 2010 है तो ये 2011 होगा मार्च, और ये 2011 अप्रैल, तो ये होगा 1 अप्रैल 2011। और ये क्या था जब आपने खरीदा है? 31 मार्च 2011, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के एंड में खरीदेंगे ना। फर्स्ट ईयर का एंड कब है? इधर देखिए, जरा कैमरा इधर लाइए। जब आप इस डेट को इशू कर रहे हैं तो इसका लास्ट में आप परचेज करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च चल रहे हैं तो 31 मार्च को आप परचेज कर पाएंगे। और ये एंट्री भी, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो फर्स्ट ईयर का है, आपने 31 मार्च 2011 को प्रिपेयर करा होगा, तो ये एंट्री उसी डेट पर ट्रांसफर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स? अब आपने जो बैलेंस था वो आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया 64069। इसी तरह से इसे भी क्लोज कर देते हैं, टू बैलेंस शीट 64069। मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा और फिर इसके बाद यही ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा नेक्स्ट ईयर, यानी वही 1 अप्रैल 2011 में बाई बैलेंस BD 64069। पहला साल बीत गया, सेकेंड ईयर आ गया स्टूडेंट। सेकेंड ईयर के लास्ट में आ गए, 12 महीने बीत गए। 12 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? तो इंटरेस्ट आप, मैंने बताया था, फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? तो आप यहां पर सबसे लास्ट में, यानी 31 मार्च 2012 को, क्योंकि एक साल बाद है, आप इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स। आप बाई बैंक ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिख कर एंट्री कर लें, और इंटरेस्ट आप लोगों ने निकाला था। मैंने आपको बताया था कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको वो रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अब मैं वैसे ही बता रहा हूं कि क्यों नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ये है स्टूडेंट्स। तो जो इन्वेस्टमेंट है ये फर्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट है, ये फर्स्ट ईयर है स्टूडेंट्स। तो जो इस पर इन्वेस्टमेंट था, बताया था कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको वो रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अब मैं वैसे ही बता रहा हूं कि क्यों नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ये है स्टूडेंट्स। तो जो इन्वेस्टमेंट है ये फर्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट है, ये फर्स्ट ईयर है स्टूडेंट्स। तो जो इस पर इन्वेस्टमेंट था उसी पर 4% यहां निकाल दो, तो इसका 4% कितना आया था स्टूडेंट्स? जल्दी से बताइए, मैं भूल गया हूं। 5563, ये इंटरेस्ट आ गया स्टूडेंट्स। और अब आप परचेज करेंगे इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट परचेज हमेशा यहां से आती है, तो इसका मतलब यहां पर लिखना है। तो आप इस क्वेश्चन में, तीन साल का क्वेश्चन है, तो अब ये टू बैंक करेंगे, आप कितना लिखेंगे? 2563। गलत जवाब, यहां पर है एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट, भूल गए? तो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? जो आपने इस बार निकालनी है, अभी वो निकाली है, बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
और वो हर साल वही होगा 64069। तो ये जो पैकेज आया, ये पैकेट का इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करना है। कितना हो गया इनका टोटल? पिछली बार पिछले क्वेश्चन में लिखा था हम लोगों ने, कितने का हो गया? 6633 6 3 2 9 0 3 12 हो गया, ठीक है, हो गया। अब स्टूडेंट्स सेकंड ईयर बीत चुका है, अब सेकंड ईयर बीत चुका है और अब बीतने के बाद हम इसे क्लोज करने वाले हैं। मैं इसे भी क्लोज कर दूंगा और उसको भी क्लोज कर दूंगा और फिर थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। बताइए कितना बैलेंस आया? 1 अप्रैल 2012 और क्या लिखा? टू बैलेंस बीडी 1,30,701। और इसका भी टोटल कर देता हूं स्टूडेंट, इसका टोटल भी उसी के बराबर आएगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम जो इन दोनों में एक जैसा अमाउंट लिख रहे हैं। आगे आ जाकर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर इन्वेस्टमेंट में हम कुछ अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, 100-200 रुपए का फर्क होगा हर बार, क्योंकि वो कहता है कि मैं राउंड फिगर में करूंगा इन्वेस्टमेंट। जैसे 32 रुपए लिखा है ना ये, तो कहेगा राउंड फिगर में, यानी 30 या 40। तो इसलिए 2-4 रुपए का जो दोनों में डिफरेंस आएगा तो फिर टोटल में भी दोनों में फर्क चलेगा। फिलहाल दोनों का क्योंकि सब सेम एंट्रीज चल रही हैं इसलिए टोटल जब तक सेम ही आएगा। कितना आ गया सर? 1,30,701। और यही लिख दिया हमने 1,30,701। और क्या लिखा आपने? टू बैलेंस सीडी। मैंने डेट नहीं लिखी है, ठीक है। क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि मैं अभी मान रहा हूँ कि मैं अभी ये चीज़ें नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मेन जो इसका बैक एरिया है वो सिखा रहा हूँ, मैं मेन क्वेश्चन 1 अप्रैल 2012 बाई बैलेंस बी डी 1,30,701। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप सबको? बोलो। और अब इसके बाद ये थर्ड ईयर है, लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर में सबसे पहले आपके पास क्या आएगी? इनकम। और आप लिखेंगे बाई बैंक ब्रैकेट में इंटरेस्ट। मैंने इंटरेस्ट की डायरेक्ट पोस्टिंग करवा दी है बुक्स में, पहले वो इंटरेस्ट अकाउंट में ले जाएगा, फिर इंटरेस्ट से फिर फंड में ले जाएगा, वो भी बताऊंगा अगले एक दो क्वेश्चन में समझा दूंगा। आप इसे पहले ऐसे डायरेक्ट सीखिए। अब इंटरेस्ट किस पर आएगा? जो आपका सेकेंड ईयर का अमाउंट है, सेकेंड ईयर अमाउंट ये नहीं जी, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों का टोटल, यानी कि ये, तो इस पर आपको इंटरेस्ट आएगा। इस पर 4% निकाल दीजिए, 4% निकाल कर कितना आया था? 5.2। और अब इसका टोटल नहीं अभी करेंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर है, मैं गलती से 4 साल का क्वेश्चन समझ बैठा, 3 साल का क्वेश्चन बनाया अभी मैंने। हो गया स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट आ गया। कॉन्ट्रीब्यूशन, तो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? ये डेट जो है 1/4 अगले साल की 13 हो जाएगी, और बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन वही होगा जो हर साल का था, 64069, ये वाला एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है। और अब लास्ट ईयर में अब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसके बजाय इसे बेच देंगे। मैंने बताया कि पार पर बेच रहे हैं, तो जितने का उतने का बेच दो, ये जितने का है उतने का ही बेच दो। तो बेचेंगे तो कैश बुक में कहाँ जाएगा? डेबिट में, तो यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा। तो बाई बैंक, कौन सी डेट को बेच रहे हैं आप? 31 मार्च 2013, और ये वो डेट है जब रिडम्पशन का टाइम आ चुका है। तो 1,30,701 पर ही अपने बेच दी, ना हुआ प्रॉफिट ना हुआ लॉस, ठीक है, और ये पूरा हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं आया, कोई लॉस नहीं आया, क्योंकि वो जितने का था उतने का बिक गया। क्या बोलते हैं, अक्कड़ पकड़ बम्बे वो अणे खाली, तो कुछ नहीं हुआ। और अब मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद प्रॉफिट लॉस फंड में ट्रांसफर कर देते हैं, मेरे पास ना तो प्रॉफिट है ना लॉस, तो मैं कोई ट्रांसफर करने लायक नहीं रहा। और फिर मैंने उसके बाद बताया था कि फंड को क्लोज कर देते हैं, और इसे क्लोज करने के बाद कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जनरल रिजर्व में। और अगर इसमें प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट का हिस्सा कैपिटल रिजर्व में। अब इसका टोटल करने वाला हूं, कितना आ गया?
और यही टोटल वही आया 998, और ये सारे का सारा टोटल पैसा हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? अब मैं आपको जो बताने जा रहा था वो मैंने आपको बताया था कि एक दो रुपए एडजस्ट कर लेना, तो वो कैसे करते हैं आइए देखिए, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। ये लास्ट ईयर ना स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ या लॉस पर बेच रहा हूँ। अगर प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ तो एक दो रुपए अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट 2 लाख रुपए लिख दूंगा, बाकी सब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। पर अगर मुझे मालूम है कि ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है 1-2 रुपए की, तो इधर देखिए अब आप कितने रुपए बढ़ा दूं कि ये 2 लाख हो जाए, 2 रुपए। तो स्टूडेंट्स ये जो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें 2 रुपए मैं ज्यादा कर दूंगा ताकि वो 2 लाख हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आपने सीखा कि कैसे लेजर्स चल रहे हैं। इसके अलावा आपसे वो कैशबुक मांगेगा, क्या मांगेगा? कैशबुक। तो कैशबुक कैसे प्रिपेयर करनी है अभी मैं उसको आपको इसमें अभी कैशबुक बताने वाला हूं। आपने देखा कि मैंने इसे बनाने के लिए अब मेरे को पीछे रफ वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ी, बिना रफ वर्किंग के वो काम चल रहा है, लेकिन उस प्रोसेस को मुझे समझाना जरूरी था। मैं कैशबुक यहां पढ़ा देता हूं आप लोगों को। देखिए कैशबुक है, मैं इसे अभी पूरी नहीं बना रहा हूं। किसी भी क्वेश्चन में आपको लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा टू बैलेंस बीडी, कैशबुक का ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का यानी थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर में कौन कौन सा पैसा आएगा? थर्ड ईयर में आएगा सबसे पहले इंटरेस्ट। तो आप जो ओपनिंग क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा हो उसमें इंटरेस्ट का पैसा 5228 आप लिख देंगे टू। अब किस नाम से लिखेंगे? अगर आपने यहां बैंक अकाउंट लिखा है तो आप इस अकाउंट को लिखेंगे आप, और अगर आपने लिखा है यहां पर बाई इंटरेस्ट ऑन सिंगिंग फंड या डिबेंचर एडमिशन फंड, तो आप यहां टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एडमिशन फंड लिखेंगे, ठीक है? और फिर इसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे तो आपके पैसा आ गया लास्ट ईयर वाला, तो आप यहां लिखेंगे बाई डिबेंचर एडमिशन फंड इन्वेस्टमेंट 1,30,701, और फिर आप पैसा लौटा देंगे तो आप लिखेंगे बाई डिबेंचर होल्डर्स, और पूरे 2 लाख रुपए लौटा देंगे, टोटल कर देंगे, और इसके बाद जो आ जाएगा वो बैलेंस सीडी आ जाएगा, ठीक है? अच्छा ये मिस्टेक हो गई, वहां का क्रेडिट था ना यहां, जब भी मैंने कहा कि यहां पर कैसे आ रहा है डिबेंचर एडमिशन फंड इन्वेस्टमेंट 1,30,701, इधर का टोटल कर देंगे, वही टोटल यहां ले देंगे, और 2 लाख रुपए का रिडम्पशन आपने कर दिया है, तो इस अमाउंट में से 2 लाख रुपए कम हो जाने के बाद जो बच जाएगा वो आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा थर्ड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मैं इसे मिटा सकता हूं? अच्छा ठीक है, आप उतारना चाहते हैं जरा फोकस कीजिए इस पर, कम से कम 1, 2, 3, 4, 5। और स्टूडेंट्स आप लोग जो ऑनलाइन वीडियो पे देख रहे हैं आप इसे पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं। चैप्टर की जो ट्रिक है, जो मैपिंग है, मैं उसे दोबारा से आपको समझाने जा रहा हूं कि जैसे आपको पता लगता है कि ये चैप्टर सिंकिंग फंड का है या कोई क्वेश्चन सिंकिंग फंड का मिला है, तो आपके माइंड में ये मैप हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? कि फर्स्ट ईयर में क्या करना है। फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए? आप सबसे पहले इशू करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के लास्ट में फिर आप एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, और फिर आप इन्वेस्टमेंट्स को परचेज करेंगे सेकंड ईयर में। इशू तो होता नहीं है, अब आप क्या करेंगे, आप इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर, फिर उसके बाद एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, और फिर आप इन्वेस्टमेंट्स परचेज करेंगे। कैसे? जो आपका एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है और जो आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर, ठीक है? यानी ये भी और ये भी। थर्ड ईयर इशू तो होगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट प्लस सेकंड की जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो पहले साल आपने करी थी, यानी ये ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका, और जो दूसरे साल आपने परचेज करा वो, इन दोनों के टोटल पर। और फिर इसके बाद आपने फिर इन्वेस्टमेंट एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे,
और फिर आप इन्वेस्टमेंट्स परचेज करेंगे, कौन सा, जो आपने एनुअल कंट्रीब्यूशन करा है वो, और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो, ठीक है, कौन सा इंटरेस्ट, ये और ये। फिर इसके बाद चौथा साल, अगर मैं इसे लास्ट ईयर मान लूँ तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल का इंटरेस्ट। ये कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ये होगा, ये जो इन्वेस्टमेंट थी ये लगी हुई आपकी मार्केट में, तो इसका मिलने वाला इंटरेस्ट ब्लू पेन से कर देते हैं, दूसरे साल की जो इन्वेस्टमेंट थी ये, और तीसरे साल की जो इन्वेस्टमेंट थी ये, ठीक है। और लेजर अकाउंट बनाते हैं तो वो ऑलरेडी उसके बैलेंस बीडी में आ जाता है, तो इसलिए कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते। और उसके बाद एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, और फिर उसके बाद लास्ट ईयर है तो आप इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड कर देंगे, और फिर जो भी प्रॉफिट या लॉस है ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्ड उसे आप ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में, और फिर उसके बाद जनरल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर देंगे, और अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का हिस्सा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, और फिर इसके बाद डिबेंचर ड्यू एंड रिडेम्पशन, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ करने के बाद अब आपके माइंड में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। अब रह गया सिर्फ पार्ट जर्नेंटिस का, तो जर्नेंटिस में इशू की एंट्री आपको आती है, एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन की एंट्री मैंने आपको बता दी, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट, और अब शेड्यूल 6 रिवाइज्ड हो चुका है तो आप इसे P&L अप्रोप्रिएशन की जगह स्टेटमेंट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन लिखेंगे, और फिर लिखेंगे टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, और फिर इसके बाद एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन की मैंने समझा दी, तो हर साल यही गारंटी होगी, यही यही यही, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज की एंट्री होगी, पैसा जा रहा है आपके पास से, बैंक अकाउंट क्रिएट कर देंगे, और डेबिट डिबेंचर एडमिशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, तो अब याद रखेंगे कि आपने काम कैसे करना है। आइए मैं आपके साथ थोड़ा सा और समय बिताता हूँ। 4 साल का क्वेश्चन है तो इन्वेस्टमेंट कितनी बार खरीदेंगे, 4 बार या 3 बार, 3 बार आप 3 बार खरीदेंगे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स। कैसे कैसे खरीदेंगे, 4 साल का है तो पहले साल आप इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, दूसरे साल परचेज करेंगे, तीसरे साल परचेज करेंगे, लेकिन फोर्थ ईयर लास्ट ईयर में आप इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं करेंगे क्योंकि सोल्ड कर देंगे। इसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितनी बार मिलेगा, वो भी 3 बार मिलेगा, लेकिन वो पहले साल ना मिलकर लास्ट के 3 साल मिलेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है मान लो 10 साल का, तो 10 साल में आप इन्वेस्टमेंट कितनी बार परचेज करेंगे, फर्स्ट ईयर में भी करेंगे, सेकंड में भी, थर्ड में भी, लास्ट में भी। जो 10वां साल होगा आपका उसमें इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं करेंगे क्योंकि आप उसे सोल्ड कर देंगे। अब इस 10 साल वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितनी बार मिलेगा आपको, पहले साल नहीं मिलेगा, दूसरे से लेकर 10वें साल तक मिलेगा, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल और 10 साल तक। ये बात क्लियर है, ये माइंड में मैपिंग पक्का रख लेना एक बार। लास्ट आपको याद होगा कि रिडेम्पशन डिबेंचर में सेक्शन 1176 पढ़ाया गया था, 117C, और उसमें बताया गया था कि जितना भी डिबेंचर एडमिशन हमने करना होता है उसका 50% हम लोग डिबेंचर एडमिशन फंड में ट्रांसफर करते हैं। क्या यहाँ पर भी फंड में ट्रांसफर करना है, तो एक्चुअली आप ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसफर ही कर रहे हैं, बस आप उसे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं साथ साथ, तो वो ऑटोमेटिकली वो रूल पूरा हो रहा है, तो अलग से आपको फंड मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी जो सेक्शन कंपनी एक्ट का 117C कहता है। क्लियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा मेरे वीडियो लेक्चर्स देखकर। कुछ कोचिंग्स हैं जिन्होंने मेरे से कांटेक्ट करा था और उन लोगों ने मेरे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज मुझसे ली और वो लोग अपने ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जिनमें से 2, 1 झांसी में और 1 ग्वालियर में अभी स्टार्ट होने जा रहा है, और 1 नागपुर में जो सी इंस्टीट्यूट है उसके साथ वाली जो कॉर्नर वाली स्ट्रीट है वहाँ पर एक स्टेशनरी शॉप है, उसके साथ में एक सेंटर चलता है, वहाँ पर वो लोग भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वो सफ़र भी हम लोगों का अच्छा से रहेगा, और जो भी आपकी क्वेरीज हो इस लेक्चर के बाद प्लीज़ मुझे ईमेल्स करना और मुझे कमेंट्स देना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं दोनों को पॉजिटिवली लेता हूँ क्योंकि जो पॉजिटिव हैं उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जो नेगेटिव हैं वो मेरे लिए टारगेट्स हैं कि मुझे उन हर्डल्स को पूरा करना है और वो मेरे डेवलपमेंट में काम में आते हैं। तो उम्मीद है, मैं समझता हूँ कि ये सब कम्प्लीट हो गया है, और इसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में मैं 1-2 और फैंसी क्वेश्चन से इनको लेकर आऊँगा, और 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट को। आपके पास जो भी मटेरियल है आप उसे पढ़ें और मुझसे पूछ सकते हैं आप अपने मटेरियल से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं। ओके, सी यू, गुड बाय, थैंक यू।